कुशल थाना क्षेत्र के थापर नगर रेलवे स्टेशन से एमपीएल कोयला ढुलाई के लिए बनाई गई रेलवे लाइन के पास मंगलवार की सुबह तेज आवाज के साथ भूधसान हुआ। भूधसान से जमीन की मिट्टी धस गई, साथ ही पास की जमीन में दरारें पड़ गई। अगर धसान का दायरा बढ़ता है तो निसंदेह हावड़ा नई दिल्ली लाइन भी खतरे में आ जाएगी और निसंदेह कोई बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। गया हावड़ा ग्रैंड कार्ट लाइन की दूरी यहाँ से लगभग मात्र 45 मीटर है। इस रूट से होकर हर दिन दर्जनों गाड़ियां गुजरती हैं। वहीं जमीन धंसने के बाद श्यामापुर बस्ती के ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। आपको बता दें कि बीते 16 अगस्त को भी श्यामापुर बस्ती से थापर नगर रेलवे स्टेशन जाने वाली मार्ग में लगभग 150 फीट के दायरे में दरारें पड़ गई थी। वहीं मुख्य मार्ग लगभग 3 फीट नीचे धंस गई थी। अगर समय रहते ईसीएल प्रबंधन, रेलवे और प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो भविष्य में बड़ी दुर्घटना हो सकती है। रामगढ़ और गिरिडीह में हुए बॉडी बिल्डिंग एंड मेंस फिजिक चैंपियनशिप में हजारीबाग के 4 युवाओं ने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल लाकर हजारीबाग जिले का नाम रोशन किया है। बता दें कि इस चैंपियनशिप में बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट और मेंस फिजिक्स यानी बॉडी बिल्डिंग करवाई गई, जिसमें अल्टीमेट फिटनेस के 4 युवा दानिश इकबाल, दिवाकर यादव, अभिषेक वर्मा और प्रमोद कुमार ने मेडल प्राप्त किया। रामगढ़ में हुए चैंपियनशिप में प्रमोद कुमार ने डेडलिफ्ट और बेंच प्रेस में गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। वहीं अभिषेक कुमार ने बेंच प्रेस में गोल्ड मेडल जीता। यह आयोजन PI फेडरेशन रामगढ़ के द्वारा करवाई गई थी। वहीं गिरिडीह के सरिया में आयोजित चैंपियनशिप में दिवाकर यादव ने बॉडी बिल्डिंग में 55 से 60 वर्ग बॉडी वेट में सिल्वर मेडल प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया। दानिश इकबाल ने बॉडी वेट में 65 से 70 वर्ग में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। इन सभी युवाओं ने बताया कि हमें आगे नेशनल खेलना है, इसके लिए हम भरपूर तैयारी कर रहे हैं, फरवरी में रांची में होने वाले चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। पलामू में नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय द्वारा MCA सेमेस्टर 2 और LLB के सेमेस्टर 1 से 5 तक की परीक्षा गणेश लाल अग्रवाल महाविद्यालय में आयोजित की गई है। परीक्षा कदाचार मुक्त रूप से शांतिपूर्ण तरीके से हुई। वहीं परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहे। परीक्षा में 200 से अधिक छात्र शामिल हुए। झरिया के ऐतिहासिक राजा तालाब में धनबाद नगर निगम के द्वारा दुर्गा पूजा और छठ पूजा को लेकर साफ सफाई का अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर धनबाद नगर निगम के दर्जनों सफाई कर्मी द्वारा राजा तालाब की सफाई कार्य की जा रही है। नगर निगम के नगर आयुक्त ने झरिया राजा तालाब सौंदर्यीकरण कार्य का निरीक्षण करने पहुँचे। नगर निगम के आयुक्त ने राजा तालाब के सौंदर्यीकरण का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि तालाब में जो भी व्यक्ति गोबर या किसी प्रकार की गंदगी फैलाते हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हजारीबाग के चुरचू प्रखंड के चरही स्थित डांघर भवन की स्थिति जर्जर हो चुकी है। सालों पुराना यह भवन किसी बड़ी दुर्घटना को न्योता दे रहा है, लेकिन हर पल खतरों के बीच कर्मचारी काम करने को मजबूर हैं। यहाँ काम कराने आने वाले लोगों को भी खतरे का डर सताता रहता है। आपको बता दें कि चरही में लगभग 35 वर्षों से एक ही भवन में डाकघर की शाखा चलाई जा रही है। जानकारी के मुताबिक इस दौरान भवन का 2 बार ही मरम्मत करवाया गया है। अब डाकघर भवन पुराना होने के कारण पूरी तरह जर्जर हो चुका है। कमरों की दीवारों का ईंट और सीलिंग का प्लास्टर जगह जगह से टूटकर गिर रहा है। छत से बरसात का पानी टपकता है, जिससे यहाँ रखे दस्तावेज के खराब होने की संभावना बनी रहती है। वहीं इस शाखा में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोगों का आना जाना लगा रहता है। CCL के अधीन इस डाकघर के होने के बावजूद CCL इसे लेकर गंभीर नहीं है। गौरतलब हो कि CCL हजारीबाग क्षेत्र का महाप्रबंधक कार्यालय डाकघर के ठीक बगल में है। इस डाकघर के CCL कार्यालय सहित चरही, इंदिरा, जरबा और हिंदेगढ़ा पंचायतों को पत्र भेजने और प्राप्त करने का कार्य किया जाता है। इसके बावजूद भी कोई इस डाकघर की सुध लेने वाला नहीं है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित चेंबर भवन में मेगा ट्रेड लाइसेंस कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें जमशेदपुर के तीनों निकायों के अलावा आदित्यपुर नगर निगम ने भी अपना सहयोग दिया। व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस बनाने में दिक्कतों को दूर करने के लिए एक ही छत के नीचे सभी सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए इस कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में नया ट्रेड लाइसेंस और रिन्यूअल दोनों का ही कार्य किया जा रहा है। शहर के तीनों निकाय क्षेत्र सहित आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के व्यापारी यहाँ पहुँचकर अपना ट्रेड लाइसेंस बनवा सकते हैं। सिंहभूम चेंबर के अधिकारियों ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो कैंप को 2 से 3 दिवसीय भी किया जा सकता है।